संभल में गैस हीटर से बड़ा हादसा हुआ है। कमरे में गैस हीटर जलाकर सो रहे दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 4 महीने का बच्चा गंभीर है, जिसको आईसीयू में रखकर बचाने की डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। घटना बनियाठेर थाना के गांव अकरोली की है, जहां मेडिकल स्टोर संचालक सलमान अपनी पत्नी और 4 महीने के बच्चे के साथ घर की ऊपरी मंजिल पर सोया हुआ था। सुबह 10 बजे तक जब दंपत्ति नहीं उठा तो घर वालों ने ऊपर जाकर देखा, कमरा अंदर से बंद था। जैसे तैसे किवाड़ खोले तो पति पत्नी और बच्चा बेहोश थे। वहीं कमरे में छोटे गैस सिलेंडर का हीटर जलता मिला। परिजन आनंद फानंद सभी को इलाज को चंदौसी ले गए, जहां डॉक्टर ने दंपत्ति को मृत घोषित किया। वहीं बच्चा गंभीर है, जिसको बचाने की कोशिश में डॉक्टर जुटे हुए हैं। गैस हीटर के लगातार जलने से कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी मौत की वजह समझी जा रही है। आपका देशराज सिंह। अच्छा, अकरोली गांव में 2 आदमियों की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि हीटर की वजह से जो हुई है, हीटर जलता रहा, क्या है मामला पूरा? ऐसा है, यह बहुत दुखद हादसा है। सुबह पता पड़िए करीब 10 बजे के आसपास, जब वो सो के नहीं उठे, उनके परिवार वालों ने किवाड़ खटखटाई और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो उन्हें शक पैदा हुआ कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने मोहल्ले वाले और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करा और वो किवाड़ तोड़ी, तो उन्होंने उसमें देखा कि 3 लोग थे। एक अल्लाह बकस हैं, मंदिर के पास में उनका घर है, अल्लाह बकस का बड़ा लड़का जिसका नाम सलमान है, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा 1 साल का, तीनों लोग उस कमरे में सोए थे। कमरे को गर्म करने के लिए उन्होंने गैस हीटर लगा रखा था, जब सोए तो गैस हीटर लगा लिया और उससे पता ना गैस लीक हो गई, क्या हो गया, कमरा बिल्कुल बंद था, हवा आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, कोई चीज़ खिड़की वगैरह खुली नहीं थी, सारा बंद था। तो ऐसा लगता है कि वो गैस लीक हो गई, ऑक्सीजन रही नहीं कमरे में, इसलिए उनका दम घुट गया। और दम घुटने से 3 लोग थे उसमें, 3 में 2 की मौत हो गई है, तीसरा जो बच्चा है 1 साल का वो भी गंभीर स्थिति में है। और चंदौसी अस्पताल में जो है वो ऑक्सीजन पे वेंटिलेटर पे है, वो भी बच्चा, 2 लोग इसमें मर चुके हैं। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है, पूरा गांव शोक में डूब गया है ये समाचार सुनकर।